नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं livecities.in। लाइव सिटीज के आज के राजनीतिक इंटरव्यू में हमारे साथ मौजूद हैं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के डुमराव से विधायक ददन यादव। ददन यादव ने ताल ठोककर घोषणा कर दी है कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो बक्सर लोकसभा सीट से अपनी चुनाव को लड़ेंगे। ददन यादव इस वक्त एक्सक्लूसिव हमारे साथ लाइव सिटीज के न्यूज़ रूम में मौजूद हैं। हम बात करेंगे ददन यादव उर्फ ददन पहलवान से, जो कि विस्तार से अपने 2019 के लोकसभा चुनाव की योजनाओं के बारे में लाइव सिटीज से एक्सक्लूसिव आपको बताएंगे। ददन जी, लाइव सिटीज के न्यूज़ रूम में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा पहला सवाल यही होगा, 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए आपका क्या कार्यक्रम है, आपने क्या ऐलान किया हुआ है? देखिए, लोकसभा चुनाव में हमारा जो वोटर है, 2 लाख करीब करीब हमारा वोटर है, हम 2004 से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 2004 में हमारा जब साहपुर एक ब्राह्मण बहुल क्षेत्र था, साहपुर जहां पर करीब करीब 1 लाख के करीब वोट है ब्राह्मण लोग, और जगदीशपुर में भी करीब करीब 40,000 के करीब वोट था, तो 1,40,000 ब्राह्मण, उस समय हमारा लोग कहता था कि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है बक्सर, तब ब्राह्मण बहुल क्षेत्र जब था बक्सर, उस समय शिवानंद तिवारी हमारे मतलब कि लड़ाई हुआ, शिवानंद तिवारी आरजेडी से चुनाव लड़े, हम निर्दलीय चुनाव लड़े, और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद हमारा वोट समझिए कि हम सेकंड स्थान पर आए और शिवानंद तिवारी जी तीसरे स्थान पर आए। उस समय थोड़ा वोट से हम चुनाव हार गए, बीजेपी वहाँ चुनाव जीत गया, और चुनाव जीतने के बाद हमने सोचा कि 5 साल और मेहनत करना चाहिए, जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता देख लिया कि सेकंड स्थान में है, थोड़ा वोट से आ रहा है, तो सारे जाति बिरादरी के लोग हमको अब की लाइक करके जरूर 2009 में हमको वोट देगा। तो 5 साल हम फिर मेहनत करने के बाद भी हम 2009 में लोकसभा जब चुनाव लड़े, और लोकसभा चुनाव लड़े तो 2009 में परिसीमन बदल गया, परिसीमन बदल गया, तो जगदीशपुर और साहपुर उस क्षेत्र से कट गया, और कटने के बाद वो भी समझिए कि जगदानंद का जो चुनाव आयोग में कोई मेंबर थे, वो कटवा दिए 2 विधानसभा क्षेत्र को, रामगढ़ को छोड़ दिए और दिनारा को जोड़ दिए, और रामगढ़ और दिनारा जोड़ने के बाद हमारी यादव की संख्या करीब करीब 3 लाख से आगे है, 3.5 लाख के करीब करीब हमारे यादव की वोट है। ब्राह्मण की संख्या हमारे क्षेत्र में अब समझिए कि डुमराव विधानसभा क्षेत्र में 19,000 के करीब, और बक्सर में भी करीब करीब 25-30,000 के वोट है, रामगढ़ में भी 10-12,000 वोट है, ब्रह्मपुर में भी 15,000 वोट है, दिनारा में भी ब्राह्मण की संख्या वहाँ पर कम है, तो ब्राह्मण की संख्या घटकर 1 लाख के सीमित हो गया, 1 लाख के करीब में ब्राह्मण की वोट आ गया वहाँ पर। तो उसके बाद 2009 में जब हम चुनाव लड़े, तो 2009 में चुनाव में मात्र 5,000 वोट से हम चुनाव हार गए। यह कुछ कारण था कि हमारे जाति बिरादरी के लोग हमको 20,000 वोट नहीं दिए, ये आरोप उस समय लगा था कि आपके यादव लोगों ने ही, कुछ यादव ने आपको 2009 वाले में चुनाव में सपोर्ट नहीं किया, नहीं 20,000 हमको 80, हाँ हमको वोट दिया लोग 80%, आज भी मान लीजिए कि हमारा लोग जो है चुनाव 5,000 वोट से हार गए, तो हमने मेहनत किया, हमने परिश्रम किया कि चलिए अब 5,000 से हारेंगे, अब की आने वाला चुनाव में आपका 14 वाली चुनाव में हम चुनाव की बार चुनाव जीत जाएंगे, वो प्लानिंग से हमने मेहनत चालू कर दिया। पूरे जो समय रहता है तो हम गांव में रहते हैं, आज भी हम करीब करीब 99% गाँव में रहते हैं, तो हर गांव को घूमना पड़ता है, हर गांव के लोग प्यार दुलार समान से प्रोग्राम करते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं, कहीं भोज का प्रोग्राम करते हैं, या हर दुख सुख में हम शामिल रहते हैं, इसलिए कि हम जनता के वोट के पैसे की रोटी खाते हैं। हमें जब महीना मिलता है, या हमें TA मिलता है, या रेल और जहाज़ पर घूमने के लिए पैसा मिलता है, या हमको टेलीफोन करने के लिए साल में 1 लाख रुपया महीना मिलता है, सारी स्थिति को देखकर हम नौकर के रूप में हम काम करते हैं, तो पूरे बक्सर लोकसभा क्षेत्र के में हम काम करते हैं। तो हम 2009 5,000 वोट हारने के बाद हमने सोचा कि 5 साल और मेहनत करना चाहिए, आप 5 साल मेहनत करेंगे तो अब की बात चुनाव जरूर हम जीत जाएंगे, वो उद्देश्य ले हमने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद
हमारे जदयू के भी कैंडिडेट वहाँ पर चुनाव लड़ गए, आरजेडी के भी चुनाव वहाँ पर लड़ गए। तो वहाँ पर समझिए कि मोदी लहर में भी 198,000 करीब करीब हमको वोट मिला। लोगों ने हमारा जो वोट है शुरू से अंत तक बढ़ते जाता है, घटता कभी नहीं है। लेकिन लोग चुनाव जब आता है तो रूमर फैलाते हैं कि ददन यादव के अब की वोट नहीं मिलेगा, ये रूमर फैला के हमारा 10-5 हज़ार वोट कम कर देते हैं। इसी कारण से चुनाव हार गए। हारने के बाद भी हम यहाँ से रामगढ़ से लेकर देनारा से लेकर ब्रह्मपुर विधानसभा से लेकर आपका डुमराव विधानसभा, बक्सर विधानसभा, राजपुर विधानसभा, हर विधानसभा में बराबर मेरा प्रोग्राम रहता है। ऐसा कोई हफ्ता नहीं होगा जिस हफ्ता में हम एक एक विधानसभा में प्रवेश करते हैं, लोगों को आशीर्वाद लेते हैं, आपका हर दुख सुख में शामिल होते हैं। तो मोदी लहर चल गया तो समझिए कि वही मेरा सवाल था कि आप अपने क्षेत्र में जब 2014 का पीरियड था जिसमें अश्विनी चौबे जीते, उसमें पूरे देश में मोदी लहर था। वो तो चल गया कि हर हर मोदी घर घर मोदी, ठीक है, तभी वहाँ के लोग वोट दिए। हाँ, तो हर हर मोदी घर घर मोदी नारों के बीच में उस लहर में भी आपने लगभग 2 लाख मतदाताओं का विश्वास हासिल किया, उतने वोट आपको मिले, ठीक है। अब पिछले 5 साल में ददन जी जो परिस्थितियां हैं वो बदली हैं। पहले जेडीयू आपके साथ में बीजेपी के साथ नहीं थी, अब जेडीयू और बीजेपी जो है एक साथ है और अश्विनी चौबे आपके यहाँ से सांसद हैं जी। तो अब आपने अभी से ऐलान कर दिया है, आपकी बातों से भी लग रहा है कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, संसद में जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगर नई परिस्थितियों में तो आपकी पार्टी को आपको टिकट देना और भी कठिन हो जाएगा ना। अब देखिए, यदि आपका एनडीए अपना भारत में सरकार बनाना चाहता है, मानसिकता भी है कि अगला बनना चाहिए, बनेगा भी। एक विधानसभा क्षेत्र, एक लोकसभा क्षेत्र से कुछ नहीं होता, ये सर्वे करा लेने की बात है। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे किए भी हैं कि हमारे क्षेत्र में सर्वे करा लेना चाहिए। जनता की मानसिकता है कि अब की बार बाहरी लोग को हम लोग वोट नहीं देंगे। तो बाहरी लोग से मतलब आपका इशारा अश्विनी चौबे की तरफ है? वही पीछे है, मान लीजिए कि बाहरी हमारे लोकसभा क्षेत्र से सब लोग को देख लिया। पहले तो 5 साल जगतार सिंह को लोग देख लिया। जगतानंद सिंह जो सामंती तनाशाही का प्रमाण दिए हैं, इससे पूरे हमारे क्षेत्र की जनता अवगत हो गया, इसलिए उनको 5 साल लोग देख लिया है, इनको भी देख लिए हैं। ये समीकरण कुछ अभी जो एमपी या एमएलए हो उसको हर क्षेत्र में जाना चाहिए, हर क्षेत्र के दुख सुख को समझना चाहिए। अश्विनी चौबे तो बाहर नहीं, बाहरी लोग तो चुनाव जीत जाने के बाद फिर चुनाव में दर्शन देने के लिए आते हैं। पार्टी के नाम पर जो व्यक्ति चुनाव जीतता है वह पार्टी के नाम पर जीतने से थोड़ा उसका मन ऊंचा रहता है। हम लोग तो निर्दलीय लड़ते हैं, समझिए तो निर्दलीय लड़ने के बाद हम लोग तो जनता को भगवान समझते हैं, अपने आप को मजदूरा समझते हैं कि उसी के दिया हुआ वोट से पैसे खाते हैं, रोड पर चलते हैं, उसके बहुत मतलब कि हम वोटर को आदर सम्मान करते हैं। आयब की बार भी किए हैं, हम एनडीए के तमाम बिहार के प्रभारी से लेकर सबको और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं कि हम 3-3 बार लड़े हैं, सब लोग वोट से मेरा अवगत है, हमको चुनाव लड़ाना चाहिए। एनडीए में ददन जादव ही एक चुनाव जीत सकते हैं, यह हम नहीं कह रहे हैं, हमारा 2 लाख वोटर भी बोल रहा है। 2 लाख वोटर के साथ साथ वो क्षेत्र में करीब करीब 13 लाख वोट है, 13 लाख वोटर से भी अवगत होने की ज़रूरत है कि कैसे वहाँ पर कैंडिडेट चाहिए, कैसे लोग मतलब कि नेता बनाना चाहते हैं, बाहरी लोग से कैसे लोग नफरत करते हैं, वो तो जांचने और परीक्षने की ज़रूरत है। बाहरी लोग से आपके यहाँ के बक्सर के जो लोग हैं नफरत करते हैं, बार बार जो बाहरी शब्द रिपीट कर रहे हैं आप, जगन बाबू से आपका मतलब था, तो वर्तमान में ये जो बाहरी शब्द है ये तो अश्विनी चौबे के लिए भी तो लागू होगा ना। नहीं देखिए, पहले तो हमारा जो भी वहाँ पर चुनाव हुआ आप परसेंटेज निकाल लीजिए तो करीब करीब 70% लोग बाहरी वहाँ पर जाके चुनाव जीतता था। अब तक का जो इतिहास 1952 से लेकर अब तक देख लीजिए, वो आपका करीब 75-80% के लोग बाहरी चुनाव लड़े हैं। अब बाहरी जब चुनाव लड़े हैं तो चुनाव जीतने के बाद फिर वहाँ पर दर्शन तक लोग नहीं देते हैं, इसलिए वहाँ के लोग की जो समस्या है, जो समाधान है, जो हम लोग के पूरे लोकसभा क्षेत्र में जहाँ पर भी जैसा समस्या पड़ता है वहाँ पर हम लोग खड़ा होते हैं। इसलिए हम लोग को लोग हर जाति ब्यादरी के लोग की रुझान है कि ददन यादव को अब की देखना चाहिए, तो हम मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं
फिर भी करेंगे। एनडीए के गठबंधन के नेताओं से भी आग्रह करते हैं कि आप, हम तो पार्टी के वफादार आदमी, हम नीतीश कुमार जी के मर्जी से चलेंगे और नीतीश कुमार के आदेश का पालन हम करेंगे, नीतीश कुमार के आदेश का पालन करेंगे, आप वफादार बने रहेंगे, बगावत नहीं करेंगे। ये तीन बातें मैं समझ रहा हूँ, समझ। लेकिन इन तमाम बातों के बाद भी अगर जो परिस्थितियां हैं उस उन परिस्थितियों में, नई परिस्थिति जो है, आपको बक्सर से टिकट नहीं मिलता है, नहीं, वैसे परिस्थिति में ददन यादव क्या करेंगे? ऐसे कैसे कहिया गया कि नहीं मिल रहा है? नहीं, संभावना हमारा अपना, देखिए अपना नेताओं से बारे में, हमारे जो क्षेत्र के गठबंधन के नेता है उनके बारे में भी समझ लेने की बात है। चुनाव तो एनडीए जिताएगा, चुनाव के टिकट देगा, सिंबल देगा वही व्यक्ति को जो चुनाव जीत कर आवे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जी के माध्यम से भारत सरकार में समर्थन करे, वो आधार पर समझिए कि टिकट होगा। हर टिकट सर्वे से होगा, हारने के लिए कोई थोड़ी पार्टी चुनाव लड़ाता है। बहुत लोग टिकट कटता है, टिकट बहुत लोग कटने वाले भी है, बहुत लोग नया आदमी को टिकट मिलने वाला भी है। तो यह हमारा जो बक्सर है, बक्सर के साथ साथ पूरे बिहार में एनडीए बहुत अभी मजबूत है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर अश्विनी चौबे को एनडीए फिर से टिकट देता है बक्सर से तो वो हार जाएंगे? अब तो चुनाव बताएगा। नहीं, चुनाव बताएगा नहीं, चुनाव बताएगा। आप भी अपना माध्यम से इंक्वायरी कर सकते हैं कि क्या वहां पर स्थिति है। आप क्षेत्र में जाते हैं, अश्विनी चौबे के बारे में क्या फीडबैक? देखिए वो अभी जो बता दिए कि अभी लोग वहां पर चाह रहा है कि बक्सर में, बक्सर के ही जन्म लेने वाले व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ेगा तो हर दुख सुख में शामिल होगा। तो बक्सर के लोगों की मानसिकता है, बक्सर के वोटर की मानसिकता है। आप सर्वे करा सकते हैं, जितना हमारा क्षेत्र है आपका रामगढ़ से लेकर, रामगढ़ में हमारा 48,000 निर्दलीय चुनाव में वोट मिला था, जहाँ पर जगतार सिंह के घर है वहाँ के साथ साथ राजपुर में भी हमको वोट मिला था करीब 48,000 के करीब करीब। दिनारा भी हमारा जादव की बेल्ट है, हमारा ब्रह्मपुर भी मतलब कि करीब करीब भुनिहार से थोड़ा कम लोग हैं, हमारा डुमराव भी हमारा जादव की संख्या ज़्यादा है, बक्सर में भी हमारा जादव की संख्या ज़्यादा है, राजपुर में भी जादव की संख्या है, रामगढ़ में तो राजपूत की स्थिति समझिए कि 18,000 है। वही हमारा तो हर जगह की हमारा जो स्थिति है, जादव के जो वोट है, जादव हमारे साथ करीब करीब 90% लोग है, तो ददन जादव को टिकट देना चाहिए, टिकट देना चाहिए। फिर भी वही सवाल फिर से हम पूछ रहे हैं कि अगर उन परिस्थितियों में क्या, अगर ददन यादव को टिकट नहीं दिया जाता है तो क्या ददन यादव बागी बन जाएंगे? अब देखिए मुख्यमंत्री जी ऊंचा सोच के व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री जी ने बिहार को बढ़ाए हैं, मुख्यमंत्री जी ने बिहार में रोड दिए, चलने के अधिकार दिए, अपराध मुक्त किए, नरसंहार मुक्त किए, गांव में बच्चा बच्ची को चलने के लिए साइकिल दिए, बस्तर दिए, पूरे बिहार के गांव में स्कूल बनवाए और कोई ऐसा बस्ती नहीं बचा जिसमें रोड नहीं। नीतीश कुमार जो किए हैं उनका समझिए कि पूरे बिहार में प्रभाव है। आप पूरे बिहार के कोई भी अभी कूद फान कर रहा है, किसी पार्टी में दम नहीं है नीतीश कुमार का बराबरा करने के लिए। तो इसलिए वो नीतीश कुमार जी के हम भरोसा करते हैं और नीतीश कुमार जी की जीतने की कैंडिडेट की उम्मीद है तो ददन यादव को टिकट देंगे। और आपका आप तो देख ही रहे हैं, तरह तरह केवल नीतीश कुमार जी का ही नहीं चल पाएगा ना ददन जी। देखिए जो चुनाव की परिस्थितियां हैं, चार चार बड़ी पार्टियां आपके साथ में हैं, ठीक है, बक्सर मूल रूप से भाजपा का जो क्षेत्र है वो रहा है अब तक भाजपा। बोलती है आपको कि ब्राह्मण की संख्या वहाँ देख लीजिए 1,25,000 पार नहीं कर रहा है। पहले ही ब्राह्मण जब शाहपुर और जगदीशपुर जब विधानसभा क्षेत्र था उस समय ब्राह्मण की संख्या वहाँ पर ज़्यादा था और जगदीशपुर कट जाने के बाद अब फिर ही आपका शाहपुर कट जाने के बाद वहाँ पर ब्राह्मण की संख्या मतलब कि राजपूत ठाकुर जात लोग भी कम हो गई है। हाँ एकदम जोड़ लीजिए, राजपूत को भी वोट जोड़ लीजिए, ब्राह्मण को भी वोट जोड़ लीजिए। अब भुनिहार की संख्या तो देख लीजिए, कुछ राजपुर में लोग हैं, रामगढ़ में करीब करीब भुनियारों की संख्या 8,000 है। ठीक है, आपकी आपकी सारी बातों को मैं मान रहा हूँ, सारी चीजों को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए भी इतना आसान नहीं होगा ना आपको टिकट दिलवा पाना। वो मूल रूप से भाजपा का गढ़ रहा है, भाजपा के लोग वहां से लालमुनी चौबे से आप ले लें, चाहे अश्विनी चौबे, आप तो इंतजार कर रहे होंगे कि अश्विनी चौबे को किसी परिस्थिति में भागलपुर वापस भेज दें। देखिए जो जहाँ के रहे वहीं चुनाव लड़ना, अच्छा जो जहाँ का रहे उसे वहीं चुनाव लड़ना, वहीं चुनाव लड़ना चाहिए। अब हमको कहीं कुल लोग को आ देगा तो वहाँ नहीं जाएंगे, इसलिए कि उस धरती पर यदि लायक नेता नहीं हो तब तो दूसरा को ले जाकर लड़ाना चाहिए। तो वहाँ पर हम लोग समाज सेवी आदमी हैं, वहाँ पर संख्या के आधार पर
हमारा संख्या है। पहले लोग बोलता था कि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, मगर साहूपुर और जगदीशपुर निकल जाने के बाद उनकी संख्या कम हो गई और हमारा संख्या ज्यादा है। और आपका ठाकुर जी जा होनिहार का भी मान लीजिए कि एक विधानसभा क्षेत्र ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में मात्र वोट है, जो वहाँ पर करीब करीब 80,000 के करीब करीब लोगों के वोट है, तो वो छोड़ दीजिए तो सारा वोट हमारा है। हमको बनिया भी प्यार करता है, बनिया का भी अढ़ाई करीब करीब 1.5 लाख के करीब वोट है। बनिया लोग तो हमको पहले से भी डुमराव विधानसभा क्षेत्र में देते आए हैं। मुख्यमंत्री जी की कृपा से मुख्यमंत्री योजना में जो हमारे क्षेत्र में काम हुआ है और हमारे क्षेत्र में मलई बराज की जो 55 मुख्यमंत्री घोषणा किए, उद्घाटन किए, तभी नहीं बन पाया। मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे कि ददन जादव चुनाव जीतेंगे तब कि मलई बराज बनेगा, तब मलई बराज बनाकर पूरे लोकसभा क्षेत्र के खेत को सिंचित करने का काम किए, तो लोग हमसे प्रभावित है। मुख्यमंत्री जी ये बात को जानते हैं, एनडीए के लोग भी जानते हैं। अब कोई एनडीए के बारे में पता कर लीजिएगा, वो पता करिएगा तो सारे लोग प्रधानमंत्री तो बनाना है देश एनडीए, तो एनडीए को प्रधानमंत्री बनाना है तो ददन यादव को टिकट देना चाहिए, तो देने ही हमको विश्वास है कि हमको टिकट मिलेगा। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार की पार्टी से विधायक ददन यादव लाइव सिटीज के न्यूज रूम से एक्सक्लूसिव अपनी बात को दिल से रख रहे थे। इन्होंने तार ठोक करके बक्सर लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। ये अगला लोकसभा चुनाव जो है एनडीए के सिंबल पर, जेडीयू के सिंबल पर जो है बक्सर से लड़ना चाहते हैं। तार ठोक के अपनी बात को लाइव सिटीज से कह रहे हैं और साथ साथ इस बात को भी अंडरलाइन करके कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जहां का हो उसे वहीं से चुनाव लड़ना चाहिए। इनका इशारा साफ साफ अश्विनी चौबे की तरफ से है। इन्हें शायद उम्मीद हो कि अश्विनी चौबे अगली बार भागलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और इनका जो रास्ता है बक्सर के लिए वो कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा। आज के राजनीतिक इंटरव्यू में मेरे यानी अभिषेक चंद्रा के साथ इतना ही। नमस्कार।